सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर स्नेक कैचर्स को और बेल आइकॉन दबाइए नए वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज नागपंचमी 15 अगस्त 2018, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक धामन सांप जो कि घुस चुका है और इसे हम लोग बहुत मशक्कत से, बहुत सारा सामान भी था वहाँ पे उसे हमने सामान हटा के और फिर रेस्क्यू किया। जैसा कि मेरा मानना है कि धामन सांप था जो ऊपर से बिल्कुल ब्लैक था, ऐसा लग रहा था जैसे कोबरा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि धामन है। इसको हमने बचा लिया और इसका रेस्क्यू किया। दोस्तों, ये सांप ने हमें बहुत चकमा दिया। मेरे साथी सहयोगी रवि सातनकर जी ने पहले इसे दबाया लेकिन ये फिर वापस अंदर की ओर घुस चुका था और हम लोग भी थोड़े से समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ अंधेरा भी था काफ़ी कि धामन है या ना आगे, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा था। बाद में समझ में आया धामन सांप है और फिर हमने इसे समझा और फिर बाद में इसे रेस्क्यू किया। आप देख सकते हैं वीडियो में, आगे वीडियो में देखिएगा कि इसे हम लोग ने अच्छे से रेस्क्यू किया। क्या भर के रखे हैं? तो अचार तो आई है। किधर लौटा है? दरवाजे के पास होता होगा। दवा ना तो जब दोस्तों मुझे समझ में आया तो डायरेक्ट मैंने इसे हाथ में ले लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये धामन सांप है, ये नॉन वेनम है। और फिर
लोगों की दहशत भी दूर किया मैंने वहाँ पे, ये दामन है इसमें कोई जहर नहीं है, और ये बोरियों पीछे जाके छुप गया था, इसे हम लोग ने बोरियों हटा के निकाला और इसे फिर लोगों को भी दिखाया, बाद में लोगों को भी बताया। एक फांस वहाँ पे जो लकड़ियाँ पड़ी है, एक फांस गर गई थी मुझे, तो मैंने लोगों को, अब गड़ चुकी थी इसलिए उसमें से थोड़ा सा खून आ रहा था, तो कुछ लोगों का मानना था शायद काट दिया, तो मैंने बाद में बताया उन्हें कि काटा नहीं है, ये एक फांस गर गई थी मेरे हाथ में। आप देख सकते हैं वहाँ लोग दहशत के माहौल में भी देख रहे थे कुछ, और कुछ लोग रोमांचित होकर देख रहे थे कि डायरेक्ट सांप को कैसे हाथ से पकड़ लिया, और मैंने इसे पकड़ा और रख लिया, जिसे मैं जंगल में कल रिलीज़ कर दूंगा। मेरे पास दो दामन और है और एक बेबी कोबरा है, जिसे हम लोग कल जाके जंगल में रिलीज़ करेंगे, उसका वीडियो मैं आपको आने वाले टाइम पे अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ नहीं।